हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। और अभी चूंकि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उसका परिणाम भी सामने आया, तो वहां का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमरान खान की पार्टी है जो PTI, वो सामने आई है। तो हम लोग इसके बारे में भी हम समझेंगे और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है और इंडिया पाकिस्तान में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो विवाद हैं, किन किन मुद्दे पर विवाद हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या उसको स्टेप लिया जा सकता है, ये हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इस देश के नागरिक हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे आसपास के देशों में क्या हो रही है। तो पड़ोसी देशों के साथ रिलेशंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि पाकिस्तान चुनाव में कैसा रहा और फिर उसका भारत पर क्या असर हो सकता है इन फ्यूचर। पाकिस्तान चुनाव की बात करें तो टोटल पाकिस्तान में 272 सीट के लिए चुनाव हुआ था जनरल लोकसभा में, यानी आम चुनाव में 272 सीट के लिए चुनाव हुआ था। उसमें से जो मैजिकल नंबर चाहिए, यानी जो क्लियर मैंडेट के लिए, क्लियर मेजोरिटी के लिए 137 चाहिए, यानी 136 प्लस 1। 272 का मतलब क्या हो गया, 272 का मतलब हो गया 50% हो गया 136, और प्लस 1 यानी 137 जो सीट है, 137 नंबर जो है वो मैजिकल नंबर है पाकिस्तान चुनाव में। लेकिन किसी भी पार्टी जो है वो क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाई, उसका स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाया, कोई भी सरकार बनाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। लेकिन उसमें जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है इमरान खान की पार्टी है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो PTI पार्टी जो है, जो कि इमरान खान जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी रहे हैं, तो उनका पार्टी एक सामने आया है जो कि 117 सीट जीता है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार 99% चांस है कि सरकार इनकी ही बनेगी। अब इस किसके साथ वो जो बाकी जो सीट बचा, जो 20 सीट चाहिए, तो वो कहाँ से मैनेज करते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन सरकार बनने का पूरा चांस है कि इमरान खान ही प्रधानमंत्री होंगे। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आज हम लोग इसी से अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो कुछ उसी से कुछ रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग चुनाव की बात करें तो टोटल 272 सीट के लिए चुनाव हुआ था। 272 सीट का 2018 में जनरल इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुआ। उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, PML, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि नवाज शरीफ का है, उसका 64 सीट आया है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का, या जो कि ये इमरान खान की पार्टी है, तो इसका जो सीट आया है 117 आया है। और PPP है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बेनजीर भुट्टो की पार्टी है। तो ये मेजर में यही तीन पार्टी हैं जिनका कि चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान की पार्टी है, तो उनको इसमें सबसे ज़्यादा सीट आई है। तो सरकार बनने की जो चांसेज है इनकी ही है, किसी के साथ मिलना होगा या फिर और भी जो 20 सीट है, क्योंकि यहाँ पे 272 सीट है तो आपको मैजिकल नंबर चाहिए 137, तो 137 लाने के लिए 20 सीट को और इंतजाम करना होगा, तो वो करना होगा। अब हम लोग इंडिया पाकिस्तान को रिलेशंस को हम लोग समझें, तो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशंस हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है और हमेशा जो है ये किसी न किसी मुद्दा पे, बहुत सारे हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में हमेशा कड़वाहट रही है। अब इसमें हम लोग कुछ, इमरान खान जैसे ही इमरान खान की पार्टी सामने आई, सबसे ज़्यादा सीट लाने में कामयाब रही, तो इमरान खान का जो मीडिया से सामना हुआ, पत्रकारों से सामना हुआ, तो उसमें उन्होंने कुछ जो इम्पोर्टेंट कुछ बात कही, उस बात को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने जो है चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने अपनी बात कही। तो उसमें जो इमरान खान का स्टेटमेंट की बात करें, तो इमरान खान के स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट जो रहा वो रहा कश्मीर कंटेंशन का। इमरान खान का भी मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशंस में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कड़वाहट है कश्मीर के लेकर, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है और ये कंटिन्यू बना रहेगा, अभी इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा कहा गया। दूसरा है कि मीडिया, इमरान खान का कहना है कि भारतीय मीडिया जो है हमेशा जो है इमरान खान को एक बॉलीवुड विलेन की तरह उसको पेश करता है, मतलब हमेशा इस तरह से पेश करता है इमरान खान को कि वो एक विलेन है और इंडिया का हमेशा वो बुरा चाहता है। बहुत सारे हालांकि स्टेटमेंट भी आए इमरान खान को जो कि हमेशा इंडिया के खिलाफ में रहा है, जो कि डिस्प्यूट भी बहुत सारे पैदा हुआ है। तो इमरान खान का कहना है कि जो इंडियन मीडिया है वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो लीडर है इमरान खान, उसको जो है इंडिया में एक बॉलीवुड विलेन की तरह पेश किया जाता है। तीसरा जो उन्होंने बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे ह्यूमन राइट का काफ़ी ज़्यादा वायोलेशन होता है, मानवाधिकार का बहुत उल्लंघन होता है, इस पर कुछ काम किया जाना चाहिए।
चौथा पॉइंट उन्होंने बोला कि फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, इंडिया पाकिस्तान का अभी जो है दोस्ती बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर इंडिया एक स्टेप आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान दो स्टेप आगे बढ़ेगा, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जा सके, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो। अगला पॉइंट देखें तो कहना था इमरान खान को कि इंडिया जो है हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि जितना भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी इशू है उसमें पूरी तरह से पाकिस्तान ही दोषी है। तो इमरान खान का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से पाकिस्तान दोषी नहीं है, इंडिया हमेशा ब्लेम करता है। रिलेशनशिप अगर देखें, अगर अमेरिका के खिलाफ में, अमेरिका के बारे में अगर इमरान खान ने बोला तो बोला कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप और भी बेहतर हो सकता है, सुधारा जा सकता है। अफ़गानिस्तान के बारे में बोला कि अफ़गानिस्तान जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब अभी समय चल रहा है, तो वहाँ पर शांति की बहुत ज़रूरत है और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से इसमें सहयोग करेगा। और पाकिस्तान चाहेगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो ओपन बाउंड्री हो, तो इसके बारे में भी इमरान खान ने कहा। उसके बाद में कि इमरान खान ने चाइना को भी बहुत प्रशंसा किया और उन्होंने कहा कि चाइना जो है एक पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दिया है, एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि पाकिस्तान में गरीबी दूर किया जा सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उससे माना जा रहा है कि उसका कहना है इमरान खान को कि यानी पाकिस्तान को जो कहना है कि इससे पाकिस्तान में गरीबी दूर हो सकती है, इसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हो गया हमारा इमरान खान का स्टेटमेंट जो कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा है। इमरान खान के बारे में अगर हम लोग शॉर्टकट में जाने तो इमरान खान क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के पहले कप्तान रह चुके हैं, अभी वो प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट हैं। इन्होंने 3 शादी किया था जिसमें कि पहला था जस्मिन गोल्ड स्मिथ, दूसरा रहम खान और तीसरा जो बुशरा। 2018 में जो इनका मैरिज हुआ था तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में बवाल मचा था, तो 2018 में इनका तीसरा शादी हुआ और इनके 3 बच्चे भी हैं। तो हो गया इमरान खान का पर्सनल। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट कौन कौन से मुद्दे पे है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है वो कौन कौन सा मुद्दा है उसमें, अगर क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अगर आपको आएगा मेंस में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपको लिखने के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टोटल इसमें 8-9 पॉइंट है जो हम लोग इसको देखेंगे। पहला कि इंडिया पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट का इशू है वो है कश्मीर। कश्मीर के लेकर हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अनबन रही है और यही एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं हो पा रहा है। दूसरा है इनसिक्योरिटी। पाकिस्तान का कहना है कि वो बहुत इनसिक्योर फील करता है, इंडिया जिस तरह से अपने आप को बढ़ा रहा है, इंडिया जिस तरह से एक सुपर पावर नेशन के रूप में बनते जा रहा है, तो चूंकि पाकिस्तान पड़ोसी देश है तो इसको लगता है कि पाकिस्तान को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से पाकिस्तान वो नहीं चाहता है कि इंडिया कुछ इस तरह से आगे कुछ बढ़े। तीसरा है कि टेररिस्ट भी एक इशू बहुत बड़ा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि अधिकांश जो इंडिया में कुछ घटनाएं जो होती है आतंकवादी से संबंधित घटनाएं होते हैं, कहीं ना कहीं उसका पाकिस्तान से लिंक होता ही होता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है टेररिस्ट आतंकवाद। अगला पॉइंट देखिए चाइना। इंडिया जो है चाइना से भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पा रहा है और चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया साथ नहीं दिया, क्योंकि उसका मेन वजह था कि CPEC जो है जम्मू एंड कश्मीर से पास कर रहा था और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से पास कर रहा था, जो कि इंडिया मानता है कि वो इंडिया का ही पार्ट है। तो इस वजह से चाइना के साथ जैसे पाकिस्तान की नज़दीकी बढ़ रही है तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप और भी धीरे धीरे ख़राब होता चला जा रहा है, तो ये भी एक कंटेंशन है, इशू है। फिर ट्रेड को लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान में बहुत अच्छा ट्रेड नहीं हो पा रहा है, ना ही बहुत अच्छा कल्चर रिलेशनशिप हो रहा है, ना ही अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप किया जा रहा है, स्पोर्ट्स मैच फिल्म ये सब नहीं डेवलप किया जा रहा है, तो ये सब एक डिस्प्यूट हो रहा है। CPEC की बात करें तो CPEC हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वन बेल्ट वन रोड का ही एक कहा जाए तो एक प्रोजेक्ट है, उसी का एक कॉरिडोर है। टोटल 6 कॉरिडोर, उसमें से एक है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो जम्मू एंड कश्मीर से पार कर रहा है, वो गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए सीधे चला जा रहा है बलूचिस्तान में। तो ये जो रास्ता जो पार कर रही है तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इंडिया के एरिया से पार कर रहा तो इंडिया को इसमें पूछा भी नहीं गया कि मतलब OBOR जो है उसका जो CPEC है वो POK से पार हो रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पार हो रहा है, इस वजह से इंडिया नाराज है। अब इंडिया नहीं चाहता है कि वन बेल्ट वन रोड का पार्ट बने, चाइना बहुत वाई इसको इंडिया को इन्वाइट किया है। तो CPEC भी बहुत बड़ा इशू है जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। फिर है इंटरनल डिवाइड।
पाकिस्तान का अभी तक जो नीति सामने आ रही है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा चाहता है कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो, इंटरनल जो हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो अंदर में, और इसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान उठाना चाहता है। तो ये इंडिया को लगता है हमेशा ऐसा कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि इंडिया में एक कम्युनल वायलेंस या फिर इंडिया में एक अलग ढंग का माहौल तैयार किया जाए और जो इंडिया के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के फेवर में, कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो इस तरह से वो चाहता है कि इंटरनल डिवाइड हो जाए। तो इसका इंडिया का मानना है कि इस वजह से भी ये डिस्टर्ब हो रहा है। मिलिट्री, पाकिस्तान का जो मिलिट्री है, पाकिस्तान का मिलिट्री कभी नहीं चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप डेवलप हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, क्योंकि ऐसा मानना जाता है, ऐसा कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है तो वहाँ पे मिलिट्री का रोल जो है, मिलिट्री का वैल्यू कम हो जाएगा, मिलिट्री का कोई अहमियत नहीं देगा। इस वजह से मिलिट्री नहीं चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो। फिर देखिए रिवेंज, एक और जो डिस्प्यूट है जिसको लेकर कि इंडिया चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा एक लगता है, ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान जो हमेशा चाहता है कि बदला लेना चाहता है। जिस तरह से पाकिस्तान जो कि ईस्टर्न, पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो कि अभी बांग्लादेश है, जब उसको 1971 में जो वाद हुआ था उसमें जब उसको अलग कर दिया गया तो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान को टुकड़ा कर दिया गया, ईस्टर्न पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया। तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ऐसा चाहता है कि इंडिया को भी टुकड़ा किया जाए, जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया जाए, या फिर किसी भी तरह से ऐसा माना जाता है कि नुकसान कर सकता है। तो ये सारे इशू जो है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ने दे पा रहा है। यानी कहा जाए तो एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है, अगर इन सारी चीज़ों को दूर कर दिया जाता है, अगर ये दोनों देशों में अगर डायलॉग्स होते हैं, बातचीत होते हैं, इमरान खान भी बोले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा ये दोनों को चाहिए कि डायलॉग पार्टनरशिप की, डायलॉग्स एक ऐसा तरीका है जहाँ पर कि सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को डेवलप करने में डायलॉग, ये बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था टोटल जो हम लोग आज पॉइंट डिस्कस किए, इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान में आम चुनाव और इंडिया पाकिस्तान का रिलेशंस आने वाले दिनों में कैसा हो सकता है, इमरान खान ऐसा क्या स्टेप ले सकते हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान का जो संबंध है और भी बेहतर हो, इसके बारे में आने वाले दिनों में देखा जाएगा। तो ये मेरा था एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।